गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट ए। कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिकली भी आपको बताया जाएगा कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो अपने डोमेन में होता है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस, यानी कि कोई भी हमारे पास फंक्शन एफ है और वो कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस कब होता है किसी पॉइंट ए के ऊपर, और पॉइंट ए इसकी डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। और उसकी शर्त ये होती है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो वो किसी उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो उस पॉइंट के ऊपर, उस फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक नहीं होता है, यानी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ब्रेक नहीं होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जिक्र करते हैं उस पॉइंट की एलएचएल आरएचएल और उस पॉइंट के ऊपर पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर वो जो फंक्शन है उसका ग्राफ वो ब्रेक नहीं होता है। ये जो हम मैथमेटिकली अटैचमेंट ये हमारे पास है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, दोनों अगर हमारे पास इक्वल होते हैं एलएचएस और आरएचएस तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू ए, अगर तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल होती है तो हमारे पास उस फंक्शन को हम कंटिन्यूटी के लिए हम कह सकते हैं, उस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस रहेगा। ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इफ एनी फंक्शन हैज नो ब्रेक ऑन ग्राफ देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब जैसे हम वर्बली बात करें कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर टेन एक्स है, कोई फंक्शन हमारे पास टेन एक्स है और टेन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने की बात करें टेन एक्स का, तो एक्स की वैल्यू हम जीरो डिग्री लेते हैं पहले तो टेन एक्स की वैल्यू भी जीरो रहती है। एक्स की वैल्यू हम पाई बाई सिक्स लेते हैं तो टेन एक्स की वैल्यू वन बाई रूट थ्री। अगर हम एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर लेते हैं तो टेन एक्स की जो वैल्यू हो जाती है यानी टेन पाई बाई फोर वन। अगर हम एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री लेते हैं तो टेन पाई बाई थ्री बनता है यानी टेन सिक्सटी डिग्री। इट मीन्स हमारे पास रूट थ्री यानी 1.73 समथिंग। इसके अलावा जब हम बात करेंगे टेन 90 डिग्री की, टेन पाई बाई टू कंटिन्यूटी नहीं रखता है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूस नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। देखिए किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन दोनों में से कोई भी एक हमारे पास लागू हो। सबसे पहले हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, या फिर इसके अलावा हमारे पास ये हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस और फंक्शन हमारा कोई भी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस हमारा फंक्शन और
दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम आरएचएल राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये तीनों बराबर होती हैं एलएचएल आरएचएल और एफ एक्स, एलएचएल आरएचएल और एफ एक्स तीनों इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ हो एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, फंक्शन हमें दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस थ्री और हमें चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री के ऊपर हमें चेक करना है। तो हम यहां पे पहले एलएचएस निकालेंगे फिर आरएचएस निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है अदरवाइज नहीं है। तो एलएचएल के लिए सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए मींस माइनस थ्री एंड एफ एक्स, एफ एक्स हमारा हो जाएगा यहां पे फाइव एक्स माइनस थ्री। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री, अब एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री मीन्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस तीन से छोटी हो या फिर माइनस तीन से बड़ी हो, ए नियरेस्ट टू माइनस थ्री, एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री है इट मीन्स ये होता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस तीन के नजदीक हो, माइनस तीन के नजदीक हो या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, बल्कि माइनस तीन नहीं होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू माइनस तीन के रूप में लेते हैं। देन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, वी गेट जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहां पे लिमिट नहीं लिखना है, एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री आपको यहां अप्लाई करना है तो लिमिट को यहां नहीं लिखना है, और देन वी गेट फाइव इंटू माइनस थ्री और माइनस थ्री एंड वी गेट फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस का फिफ्टीन, माइनस के पंद्रह हो गए और माइनस तीन माइनस के अठारह, ये हमारी है एलएचएस। नाउ टेकिंग आरएचएस, आरएचएस इज दैट एफ ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड द एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इट मीन्स एफ ऑफ ए, ए इज माइनस थ्री, देन वी फाइंड एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स गिवन है या एक्स की जगह पे माइनस तीन को पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस तीन पुट करते हैं, देन वी गेट फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, और यहां से हमें माइनस का एटीन ही मिलता है। तो हम यहां देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम यहां नोटिस करते हैं कि हमारे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। देयरफॉर देयरफॉर फंक्शन इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, दैट्स ऑल।